सबसे बड़ी खबर आज यही रही, सरप्राइज रेट में बढ़ोतरी। लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने रेपो रेट में को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। 0.40% की बढ़ोतरी आरबीआई ने रेपो रेट में की है। अब इसका मतलब क्या हुआ? रेपो रेट बढ़ने से आने वाले दिनों में आपके होम लोन, कार लोन की ईएमआई में बढ़ोतरी हो सकती है, मतलब आपका कर्ज हो गया महंगा। वहीं आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति बिगड़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव बरकरार है और लगातार बढ़ती महंगाई काफी ज्यादा चिंताजनक है। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने कहा कि युद्ध की वजह से महंगाई और ग्रोथ का अनुमान भी बदला है। सुनिए। द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी वोटेड यूनानिमसली टू इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट्स to 4.40% with immediate effect. Inflation sensitive items relevant to India such as edible oils are facing shortages due to conflict in Europe and export ban by key producers. Prices of edible oils may firm up further due to export restrictions by key producing countries and the loss of sunflower oil output due to the war.